शांति, ओम शांति, ओम शांति। और एक पाठ, और वो है आत्म अभिमानी स्थिति, जो रोज रोज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। जो अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में किया, खुद ने भी किया, हमारे दादियों से भी करवाया कि मैं आत्मा, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, एक एक को आत्मा देखना, आत्मा समझना, वो अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने खुद ने भी किया और हमारे एक एक दादियों ने भी किया। जो दादियों के अनुभव हम सुनते हैं, तो उन्हों को भी आत्मा का इतना पाठ पक्का हो गया था कि अगर मधुबन में आती, मान लो उस समय पर तो जो बाथरूम होते थे, अगर कोई बहन बाथरूम में गई हुई है, बाहर से कोई दूसरी नॉक करते हैं, कौन है, तो अंदर से जवाब आता आत्मा है। इतना पक्का, नाम भी नहीं बताएंगे कौन है, तो क्या आत्मा है, इतना आत्मा का पाठ पक्का हो गया था। तो पहली बात है आत्म अभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति के अंदर भी चार स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहली स्टेज है वो है शरीर से न्यारा और शरीरी बनने का अभ्यास, देह में रहते देह से न्यारा, तो अशरीरी बनने का अभ्यास। जितना हम अशरीरी बनते जाएंगे, उतना ही हमें बाबा की याद सहज आएंगी। दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्टेज। तीसरे है निराकार की स्मृति, बीज रूप अवस्था। तो ये आत्माभिमानी के अंदर भी जो स्टेजिस है, और जितना हम इन स्टेजिस का अनुभव करते जाते हैं, तो उसी के आधार पर ही हम योग की गहराई में, क्यों, क्योंकि हमारी जो पाप कर्म को भस्म करने की विधि है, तो वो है बिंदु रूप की स्थिति, बीज रूप की स्थिति। हाँ, हम देह से न्यारा होने का अभ्यास करते हैं, हमारी आत्मिक दृष्टि बनी रहती है, और आत्मिक दृष्टि बनने से हमारे से कोई भी ऐसे विकर्म नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे पिछले पाप कर्मों का अकाउंट है और उसको क्लियर करना है, तो उसके लिए चाहिए वो बीज रूप वाली याद, जिसमें मैं आत्मा हूँ और बाप मेरा, और कोई संकल्प नहीं। हमारे रमेश भाई हमेशा सुनाते थे, एक बार बाबा से पूछा तो कहा योग मना, योग में सेवा का संकल्प चलता है, वो भी योग नहीं है, तो सेवा का भी संकल्प योग में ना चले। तो पापों को भस्म करने के लिए और कोई प्रकार के संकल्प हमारे मन के अंदर ना हो, और ऐसी जब हमारी याद हो, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और उसी याद से हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं, तो ऐसे योग की गहराई का अनुभव करने के लिए अगर हम इन बातों के ऊपर अटेंशन रखते हैं, तो वो गहराई का अनुभव हम कर पाते हैं। अच्छा, ऑप्शन टी।